हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत हो दोस्तों। इस समय रुलखन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन और प्रैक्टिकल से संबंधित आज की दो सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, पूरी न्यूज हम विस्तार से जानेंगे। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, सबसे पहली अपडेट, सबसे बड़ी खुशखबरी केवल और केवल आपके लिए आ चुकी है। पहली अपडेट आप देख लीजिए, ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा को हरी झंडी मिल चुकी है, यानी कि इस बार जो आपके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने जा रहा है। ठीक है, गैप का जो बैरियर है सभी कोर्सेज में वो समाप्त कर दिया गया है। कल प्रवेश समिति की बैठक हुई थी जिसके बारे में कल ही आपको जानकारी दे चुका था। प्रवेश समिति ने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पर मोहर लगा दी है। इस बार जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जैसे कि MSc, MEd, इसके अलावा LLM, ठीक है, या जो भी अदर कोर्स हैं, BPED, VLED वगैरह, ठीक है, उन सभी कोर्सेज में इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आपके एडमिशन होते हैं। तो इस बार आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, प्रवेश परीक्षाएं होंगी, वो आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकेंगे। कहीं पर इधर उधर आपको भागने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। दूसरी अपडेट देख लीजिए, रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कल शुक्रवार को प्रवेश समिति की बैठक आयोजित हुई थी। इसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म की गई हैं। इसके साथ साथ रेगुलर कोर्स में, जी हाँ दोस्तों, रेगुलर कोर्स में आप दोबारा से रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। आपको प्राइवेट एडमिशन लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी एक सब्जेक्ट से MA कर लिया, यदि आप दोबारा उसी सब्जेक्ट से MA करना चाहते हैं तभी आप रेगुलर, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट चेंज करना होगा, सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करके जब आप दोबारा उसी कोर्स को करना चाहेंगे तब भी आपको रेगुलर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, दोबारा रेगुलर एडमिशन आपको नहीं मिलता था उस कोर्स में, तो ये चेंजेस किए गए। इसके अलावा यहाँ पर आपको अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो एडमिशन आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज में होते थे, लाइक एस BA, BSc, BCom, और इसके अलावा जो MA और MCom के जो आपके एडमिशन होते थे ऑनलाइन, ठीक है, या जो अदर एडमिशन होते थे जैसे कि BBA, BCA, VLEB वगैरह, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता था, तो अब उनमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, बल्कि डायरेक्टली कॉलेज में जाकर आप अपना एडमिशन करा पाएंगे। और उसके बाद एडमिशन होने के बाद आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी सारी ये अपडेट थी। इसके अलावा एक अपडेट प्रैक्टिकल को लेकर है। LLB के स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है ये बरेली कॉलेज के स्टूडेंट्स का है। जी हाँ दोस्तों, बरेली कॉलेज, बरेली, ठीक है, BCB के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बरेली कॉलेज के, वो LLB वाले स्टूडेंट्स इधर ध्यान दें। LLB प्रैक्टिकल में लिखित परीक्षाएं नहीं होंगी। क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है, LLB थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 2 घंटे में पूरी परीक्षा करा ली जाएगी। LLB की पंचम यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर प्रयोगात्मक परीक्षा में इस बार यहाँ पर 1 घंटे की लिखित परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, बरेली कॉलेज के विधि विभाग प्रभारी प्रदीप जागर ने पंचम और तृतीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो जारी कर दी हैं। कोरोना की वजह से छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके चलते परीक्षा सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी करा ली जाएगी। प्रभारी ने बताया कि LLB पंचम सेमेस्टर ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की प्रयोगात्मक परीक्षा 12 जुलाई को 10 बजे से 12 बजे तक संपन्न होगी। छात्र छात्राओं को अपनी जो डायरी है वो अवश्य लाने होगी। इसके साथ ही 12 जुलाई को ही चारों ट्यूटोरियल असाइनमेंट भी जमा होंगे। उन्होंने बताया कि चारों विषय के असाइनमेंट एक ही शिक्षक के पास जमा करने होंगे। LLB थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के चारों विषय के जो ट्यूटोरियल असाइनमेंट हैं एक ही शिक्षक के पास 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जमा होंगे। तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा पहले ही संपन्न करा ली गई। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि थर्ड सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल हैं बरेली कॉलेज के वो 13 जुलाई को होंगे और जो फिफ्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल हैं वो यहाँ पर 12 जुलाई को होंगे। ये जो प्रैक्टिकल है ये केवल और केवल LLB के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे ही आपके प्रैक्टिकल या परीक्षाओं से संबंधित कोई भी अगली अपडेट आएगी हम तुरंत आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।